सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसका एक इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ और टॉपिक का नाम है कॉलोनियलिज्म। जी हाँ, हिंदी में बोलेंगे तो उपनिवेशवाद। जी हाँ, क्या होता है कॉलोनियलिज्म और क्या होती है कॉलोनी, इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर आपको हिस्ट्री या फिर इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो कि आपको ऊपर के लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आती है, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट भी लेकर के आओ तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। और आप कॉन्सेप्ट या टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है, चाहे वो 10th क्लास के रिगार्डिंग हो सकता है, 12th क्लास के रिगार्डिंग हो सकता है या किसी और लेवल के एग्जाम के रिगार्डिंग हो सकता है। आप कमेंट करके मुझे कॉन्सेप्ट का नाम बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छी से अच्छी चीजें आपके लिए तैयार करके मैं आपको दूं। तो क्या होता है कॉलोनियलिज्म, हिंदी में उपनिवेशवाद, मैंने आपको बताया। देखिए, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत या जिसके अंडर कोई एक कंट्री या कोई भी एक कम्युनिटी दूसरी किसी कम्युनिटी के ऊपर कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है, ट्राई टू कंट्रोल दैट। और कंट्रोल करने का तरीका अपने यहां से रह करके नहीं, कंट्रोल करने का तरीका है वहां पर जाकर के कॉलोनी बसा करके। अब कॉलोनी से मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे आपने आसपास देखते हैं ये कॉलोनी वो कॉलोनी बहुत सारी कॉलोनी, इसको कॉलोनी नहीं कहते। कॉलोनियलिज्म में जो कॉलोनी वर्ड यूज है उसका मतलब होता है किसी को कंट्रोल करने के लिए वहां जाकर के रहना। सपोज कीजिए मुझे किसी को कंट्रोल करना है या मेरी फैमिली किसी को डोमिनेट करना चाहती है, किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक गांव को, तो मैं वहां जाकर के बस जाऊं और जहां पर मैं एक्चुअली जहां से बिलोंग करता हूं उसके साथ भी मैं कनेक्ट में रहूं। दिस इज द मेन पॉइंट। अगर मैं कंप्लीटली वहां जाकर के बस गया, मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड वहां का हो गया, मैं वहीं जाकर के रहने लगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। वो कॉलोनियलिज्म है ही नहीं। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है मैं वहां जाकर के रहूंगा तो जरूर, लेकिन वहां से मैं जो भी लूंगा, जो भी मैं कंट्रोल करके वहां से हासिल करूंगा, उसको यूटिलाइज करूंगा, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां लेकर के आऊंगा जहां से मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूं। जैसे आपने अंग्रेजों का राज सुना होगा, जी आप सोच ही रहे थे कि सर कहीं ना कहीं उस बात पर जाएंगे। जी हाँ, जैसे आपने सुना होगा ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर रूल किया, तो हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, उन्होंने यहाँ पे कॉलोनी बसा रखी थी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इस दुनिया में अगर हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले पोर्तुगीज ने, यानी कि पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल के लोगों ने कॉलोनियलिज्म की स्टार्ट करी। तो सबसे पहली कॉलोनी जो बसानी शुरू करी वो पुर्तगीज लोगों ने बसानी शुरू करी। धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि हम लोग कंप्लीट ग्लोब को डोमिनेट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जगह जगह पर जाना चाहिए, जो भी वीक पावर्स है इस ग्लोब के ऊपर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस अर्थ के ऊपर, उनको जाकर के कंट्रोल करते हैं, वहां जाकर के रहते हैं, वहां से लूटते हैं, अपने देश में लेकर के आते हैं। दिस वॉज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, उसके बाद यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो हॉलैंड डच लोग हैं या फिर ब्रिटिशर्स हैं, इन सभी ने दुनिया की हर जगह पर, हर कोने कोने में जाकर के अपनी अपनी कॉलोनीज बसाई। और बाद में चल करके अगर मैं अब तक की बात करूं तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी सबसे बड़ी कॉलोनी जो है वो मानी गई है, इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो। ऐसे कहते हैं कि 1850 के आसपास तक, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई, तब तक इस अर्थ के, इस ग्लोब के बेसिकली 35% हिस्से पर यूरोपियन कॉलोनीज का हिस्सा था, यानी कि कंप्लीट 35% जो वर्ल्ड है वो यूरोपियन कॉलोनीज के अंडर आता था। और आपको बता दूं 1920 तक आते आते, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते, ये जो परसेंटेज है ये 80 तक पहुंच चुकी थी। जी हाँ, मोर देन 80% लैंड ऑफ दिस यूनिवर्स, मोर देन 80% लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस ग्लोब वॉज अंडर द कॉलोनीज ऑफ यूरोपियंस बेसिकली। और उन सब में भी जो है ब्रिटिशर्स सबसे बड़ी कॉलोनी होती थी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता, मतलब 1945 के बाद और 45 से लेकर के 75 के बीच में, ये वो एरा था जिसको आप पोस्ट कॉलोनियल एरा भी कह सकते हैं, जिसमें हुआ क्या, कॉलोनियलिज्म तो खत्म होता गया धीरे धीरे और कंट्रीज जो है वो फ्री होती गई, आजाद होती गई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो कितना आपको समझ में आया और इससे जुड़ी हुई क्या क्या चीजें जो आप चाहते हैं समझना इसके अंदर से, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सो देट मैं आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्टेंट लेकर के आ सकूं। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन। थैंक यू।